हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ इडली सांभर की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इडली सांभर। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए सांभर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये तुअर दाल है, जिसे अरहर दाल भी बोलते हैं बहुत जगह। ये मैंने इसे अच्छे से 3-4 बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। और ये मैंने लौकी कट करके रखी है। लौकी के हमें थोड़ा बड़े बड़े पीसेस कट करने हैं। ये टमाटर लिया है मैंने, 6 से 7 टमाटर लिए हैं मैंने मीडियम साइज के। तो सबसे पहले हम दाल को वॉश कर लेंगे सांभर बनाने के लिए। आज मैं आपको एकदम बंगाली स्टाइल में सांभर बनाना बताऊंगी। अब ये लौकी के जो पीसेस हैं मैंने कट करके रखे हैं, सभी से भी हमें ऐड कर लेना है तुअर दाल में। दोस्तों, आप एक बार आप इस तरीके से सांभर ज़रूर बनाइए। ये सांभर बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसे इडली के साथ, डोसे के साथ या सांभर वड़े के साथ खा सकते हैं। ये सांभर बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए आप लोग भी मेरी रेसिपी इन्जॉय करिए। मैंने इसमें ये लौकी के पीसेस ऐड कर दिए हैं, टमाटर भी ऐड कर देंगे इसमें। अब पानी ऐड कर लेंगे। मिक्स करके देखेंगे, थोड़ा सा पानी अभी ऐड करना पड़ेगा हमें इसमें। हमारा पानी ऐड हो गया है। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेते हैं। यह हमारा नमक ऐड हो गया। हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा हमें हल्दी नहीं मिक्स करना, थोड़ी सी मिक्स करेंगे, इतनी इनफ है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, कुकर को बंद कर देंगे। हमें इसमें कम से कम 7 से 8 सीटी लगानी है कुकर में, जिससे कि दाल बढ़िया से गल जाए। तो चलिए कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। ये देखिए इतनी अच्छी तरीके से फर्मेंटेशन हो गया है। अब इन सांचों में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे हम। क्योंकि मुझे इडली सांभर की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं होता है, तो ये मेरे हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये चाहे तो हम इसे ब्रेकफास्ट की तरह खा सकते हैं, चाहे तो इसे लंच में भी खा सकते हैं। ऑयल ग्रीस हो गया है सभी में। तो मैंने नमक ऐड करना मैं भूल गई हूँ। मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। ये पानी भी हमारा ऑलमोस्ट उबल चुका है। स्टार्ट करते हैं इडली बनाना। मेरे हस्बैंड को तो मेरे हाथ की इडली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसका कवर लगा के इसे कम से कम 15 से 20 मिनट पकने देंगे। एक
बार चेक करते हैं हमारी इडली के क्या हाल चाल हैं। तो अभी 80% पकी है, अभी 10% अभी पकना बाकी है। तो ठीक है, अभी कवर कर देते हैं, पकने देते हैं आराम आराम से। इसे फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी इडली एकदम अच्छे से पक चुकी है, चिपक नहीं रही। तो चलिए इसे निकाल लेंगे। हेलो एंड वेलकम। तो चलिए, ये मेरी सांभर पक गई है बढ़िया से। ऐसे अच्छे से पहले हम एकदम मिक्स कर लेना है। ये दाल अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए। और ये मस्टर्ड ऑयल लिया है तड़के के लिए, और प्याज कट कर लिया है, मस्टर्ड सीड है, और ये मिर्च है, ये हींग लिया है मैंने, करी पत्ता है, सांभर मसाला है, कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे। देखिए हमारा सांभर अभी से कितना यमी यमी दिख रहा है। मैं कलर के लिए थोड़ा सा ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है सांभर का। हमारा तड़का रेडी है फ्रेंड, इसमें सांभर ऐड करूँगी अपना। देखिए कितना यम्मी लग रहा है सांभर। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पहले से सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो ये देखिए हमारा सांभर रेडी है। अभी इसे थोड़ा और पतला करेंगे, सांभर मसाला ऐड करेंगे। आप चाहें तो, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें इमली की खटाई डाल सकते हैं। मेरे यहाँ इमली कोई नहीं खाता है, तो आप इमली की जगह पे जो एक अमचूर पाउडर आता है मैंगो का, वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी इडली कितनी अच्छी तरीके से बन गई है, चिपक भी नहीं रही है, दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए मैं पानी के निकल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बन रही इडली बनी है, एकदम एकदम सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सांभर रेडी है एकदम
कितना टेस्टी यमी दिख रहा है। आपको मेरी सांभर की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा। तो चलिए गैस को कर देते हैं ऑफ। हमारा सांभर रेडी है एकदम, इडली भी रेडी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना यम्मी, एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में सांभर बनकर रेडी है मेरा। आपको यम्मी लग रहा है ना? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। आपको इडली दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम कितनी स्पंजी, एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में इडली बनकर रेडी है। चेक करेंगे, इडली हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है। ये बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा है तो मेरे हस्बैंड की पूजा हो रही है, तो इग्नोर करिएगा साउंड को, आप इंजॉय करिए मेरी रेसिपी। ये देखिए गैस को ऑफ करेंगे, इडली को निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स टेस्टी टेस्टी यम्मी सी इडली बनकर रेडी है एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में। तो एक्चुअली मैं बेंगलोर में जॉब करती थी, तब से मुझे इडली सांभर नारियल की चटनी ये मेरी एकदम फेवरेट वाली रेसिपी बन गई है। आपको इडली कैसी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और कौन कौन बेंगलोर से है ये भी मेंशन ज़रूर करिएगा। इंजॉय करिए मेरी इडली सांभर की रेसिपी।